हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, ये हम चेक करेंगे। सो रीडिंग कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में गाइस? कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में कौन है वो पर्सन, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका पर्सनालिटी कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो पर्सन कैसे हैं, उनके इंटेंशन क्या होगी आपके लिए। जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, किस इरादे से आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, कौन है वो पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? वन कार्ड आया, गाइडेंस। ओके, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो आपका साइन हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपको ना आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम्स। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं इस पर्सन के बारे में, आप सपने में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, या तो रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, या फैदर्स देख रहे हो, बटरफ्लाइज काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो आप, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या तो बर्ड्स देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट आपको शाइन मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, बट आपको शाइन मिल रहा है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये वो पर्सन है जिनका आपको वेट है, जिनका आपको इंतज़ार है, जिसका काफ़ी लंबे वक्त से आप वेट कर रहे हो। ये पर्सन आपकी ओर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपका इनर वॉइस कह रहा है, आपका अंतरात्मा कह रहा है, बिल्कुल भी आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। इनके साथ आपका मैरिज हो सकता है, या तो ऑलरेडी आप इनके हस्बैंड और वाइफ हो, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, ठीक है। तो डोंट वरी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, वो सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और जिसका वेट है, चाहे आपको ट्विन फ्लेम का हो, सोलमेट का हो, आपके ट्रू लव का हो, चाहे आपके हस्बैंड और वाइफ का हो, जिसका भी आपको वेट है, वो आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अच्छी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको वेट नहीं करना है किसी का, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप वेट करते हो तो उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको वेट कराएगा, तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त वेट कर लिया है, तो जो आपका वेटिंग पीरियड है वो तो उसका एंड होने जा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, ओके, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या तो वो पर्सन है जिससे आपकी मैरिज होगी, ओके। आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लव होगा, पैशनेट लव होगा, ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के मदर या फादर बनोगे, ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। गाइस, मैं ना ये भी फील कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके लवर हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या तो आपके हस्बैंड और वाइफ, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं। पर ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आ रहे हैं जब इन्होंने किसी से गाइडेंस लिया है, ठीक है, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। या तो इन्होंने किसी से पर्सनल टैरो रीडिंग ली है, या तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है, टैरो रीडिंग ली है, या तो और कुछ, किसी से भी कुछ तो गाइडेंस ली है इन्होंने, चाहे एस्ट्रोलॉजर से हो, चाहे टैरो रीडर से हो, या किसी पंडित से हो, या किसी बड़े से हो, पर किसी से तो गाइडेंस ली है। सलाह मशवरा करने के बाद ही पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, ठीक है।
और तभी आ रहे हैं जब इनको लग रहा है कि इनको आना चाहिए। ठीक है, अब सही वक्त आ गया है, अब मुझे जाना चाहिए, अब मैं वेट नहीं कर सकता या उसको वेट नहीं करा सकता या नहीं करा सकती, अब मुझे जाना ही चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हुआ तो नहीं, ये सही नहीं होगा हमारे कनेक्शन के लिए। ओके, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट करा लिया है और ये पर्सन अब आपकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, किसी से सलाह मशवरा लेकर, एक मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये पर्सन अपने खुद का सुन रहे हैं। ठीक है, अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, अपने दिल का सुन रहे हैं बजाय अपने दिमाग का। ठीक है, अपने इंट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा मुझे सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल से फैसला लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके पर्सन हैं। ओके, या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, गाइस ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी रिच पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार है। ठीक है, बस आपका इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। रिसेप्टिविटी, ओके, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। ओके, आप इनको एक्सेप्ट करोगे, इन क्लब को ऑफ़र या जो भी ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे आप मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले ना आपको बहुत ज़्यादा शौक करेंगे, ये ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको आप पर नज़र बना कर रखे हुए हैं जहाँ पर भी आप हो। ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इनकी नज़र आप पर है, इनका फोकस आप पर है कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद, आपके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद, आपको स्टॉक करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग मैं देख पा रही हूँ आप पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ये पर्सन आपको कर रहे हैं, इनका फोकस आप पर है। ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में हो, क्या आप इन पे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जब इनको लगेगा कि हाँ आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इनमें इंटरेस्टेड हो या आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इनको अपने लाइफ में अलाउ कर सकते हो, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इनका आपका साइन हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना आपके आपके दिल को जीतना है। ठीक है, आपके दिल को जीतना है और ये पर्सन आपके पास्ट से हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं या आपके एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या ये वो पर्सन है जिससे आपकी मैरिज होगी। ओके, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मुझे कुछ लोग के लिए लग रहा है कि आप इनसे ना आप इनको पसंद करते हो, सिर्फ पसंद ही नहीं आप इनसे लव करते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, पर हो सकता है आप दोनों के बीच सेपरेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप दुखी हो, ये पर्सन दुखी हैं। ठीक है, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो और ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिस तरह से आपको देख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप। और गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पेशली अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज किया है, तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, गिल्ट वाली एनर्जी में है। अगर किसी भी तरह से इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है तो बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि क्यों इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपकी वजह किसी और को चूज किया। इनको लगा था कि जो ये डिसीजन ले रहे हैं या जो इन्होंने किया, इन्होंने अच्छा किया। ठीक है, पर अब इनको पछतावा हो रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, रोते थे, तड़पते थे इनके लिए, और अब ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अब बारी इनकी है। ठीक है, तड़पने की, रोने की, क्योंकि देख सकते हो सौरव का कार्ड आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर ना हील हो चुके हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं, मज़े में हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैं दे रहे हो आप। तो अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर ये आपकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली जिस पर्सन ने आपको रुलाया है, आपको हर्ट पहुंचाया है या किसी और को चूज किया है,
किसी भी तरह से इन्होंने अगर आपको हर्ट पहुंचाया है, वो बड़े दुखी में है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दुखी में है, रो रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने गलत किया, ओके। और अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में लाया जाए, कैसे आपकी लाइफ में आया जाए, कैसे ऐसे क्या किया जाए जिससे ये पर्सन आपको पा ले, आपका प्यार पा ले, ठीक है, जिससे आप वापस इनको एक्सेप्ट कर लो, ऐसे क्या किया जाए। तो ये पर्सन ये सब मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की लव लाइफ की ये पर्सन मास्टर बनना चाहते हैं, ओके, ये इनकी एनर्जी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आया है यहाँ पर, और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। गाइस, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, राइट नाउ अगर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हसमुख है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके, और ये ज़िंदगी को जीना जानते हैं और आपको भी सिखा देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए, हैप्पी रहिए, ओके। आप इनसे वर्क के थ्रू मिल सकते हो, या तो ये पर्सन वर्क के थ्रू आपके वर्क के थ्रू, ठीक है, कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि आप इनसे ना वर्क के थ्रू मिलोगे, ओके, वर्क के थ्रू मिलोगे, या तो ये पर्सन कहीं से आ रहे हैं ट्रैवल करके, या तो आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे तो इनसे आपका मुलाकात हो सकता है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगे उस वक्त, ठीक है, इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको, अगर आप एक मेल हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये वही है, ठीक है, जिसका मुझे इंतज़ार था या थी, ओके। और अगर आप एक फीमेल हो, एक गर्ल हो, ठीक है, एक फीमेल हो, तो मैं आपको बता दूँ, जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे, ओके, अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी ओर आसानी से। ये पर्सन फायर शाइन के भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं। गाइस, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इनसे मिलोगे, ओके, पहले आप दोनों चैट करोगे, ये आपको मैसेज से कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते, चैटिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट आपसे हुआ है, थोड़ा सा भी अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ओके।